हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मेरी तरफ से गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मैं काफी टाइम बाद आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ। और मैं आज आपके लिए खास वीडियो लेके आई हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। और मेरे बच्चों ने आज क्या किया है आप दिखाऊंगी मैं आपको। आज गणेश चतुर्थी के मौके पे आज मेरे बच्चे गणेश जी बनाएंगे। एक कंपटीशन रखा गया है घर में बच्चों का, तो जो बेस्ट गणेश जी की मूर्ति बना के दिखाएगा तो उसको कुछ प्राइजेस मिलेंगे। ऑब्वियसली चॉकलेट्स ही मिलेंगी क्योंकि बच्चों को तो चॉकलेट्स बेहद पसंद है। तो स्टार्ट करते हैं हम, पहुंचते हैं बच्चों के पास में। चलिए तो आप, हेलो बच्चों। हेलो, देखिए बच्चे कैसे बैठे हैं कंपटीशन के लिए, और देखिए क्या क्या इन्होंने सामान इकट्ठा किया। जरा देखते हैं क्या क्या सामान लिया है। क्या क्या है बच्चों जरा बताओ। आटा, हल्दी, और ये काली मिर्च है। ओके, और देखिए आटा जरा चेक करते हैं किस टाइप का है। ये देखिए, ये आटा जो है ये ज्यादा ना टाइट गूंदना है और ना ही बिल्कुल सॉफ्ट करना है, मीडियम साइज, जिस तरह से हम रोटियां के लिए करते हैं। और इसको आप क्या करेंगे अब। और कुछ भी रखा है बेटा आपने, ये क्या रखा है, ये स्टिक है, टूथपिक। ओके ओके ओके, तो लेट्स स्टार्ट बच्चों, तो स्टार्ट करो। एक चीज और शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने अपना एक नया चैनल ओपन किया है कुकिंग से रिलेटेड। अगर आप कुकिंग का शौक रखते हैं तो वहाँ पर जाकर आप मेरी सारी वीडियो देख सकते हैं। अंशी माँ की रसोई पर जाके आप मेरी सारी कुकिंग की वीडियो देख सकते हैं। और खुशी की बात ये भी है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और मेरी वीडियोस सारी आपके पास अपडेट आते रहेंगे। और आप मेरी वेबसाइट पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये मेरी वेबसाइट है, तो आप मुझे यहाँ पर जाके भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए बच्चे कितने सुंदर एक्टिविटी कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है इन्हें देख के। ये मैं पास में लेके जाती हूँ आपको, देखिए ये कटोरी से इन्होंने ये शेप दे दिए, सर्कल बना रहा है ये मेरा बेटा। और बेटी भी कुछ हाथ से कर रही है, ये गोल गोल बना रही है सर्कल। ये देखिए वो प्लेट से ही कर रही है क्योंकि उसे कटोरी नहीं मिली तो उसने प्लेट से ही करना स्टार्ट कर दिया। देखिए किस तरह से कर रहे हैं, एक सर्कल बना रहे हैं ये। मुझे भी नहीं पता एक्चुअली में ये बनाएंगे किस तरीके से। एक्चुअली में मुझे भी नहीं पता कि ये किस तरीके से बनाएंगे। और बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है सब कुछ। एक सर्कल रेडी कर दिया है बेटे ने, वो बना रही है बेटी। और देखिए किस तरह से कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, अपना बचपन याद आ रहा है। हम भी इसी तरीके से किया करते थे पर हम आटे से नहीं बनाते थे क्योंकि उस समय हम लोग मिट्टी से बनाते थे, मिट्टी के छोटे छोटे खिलौने बनाते थे। तो बहुत सारे लोग होंगे ऐसे कि जो जिन्होंने मिट्टी से बर्तन बनाए होंगे बचपन में। बहुत अच्छा लगता है, अपना बचपन कुछ अलग ही था उस समय। अब ये इस तरह की एक्टिविटियाँ बच्चे नहीं कर पाते हैं, मिट्टी से तो नहीं बनाते हैं, क्ले से बनाते हैं। अब क्ले आ गई है, अब क्ले से करते हैं बच्चे। तो देखिए ये भी बहुत अच्छा है, इस समय सारी क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, बच्चे घर पे बोर हो जाते हैं। तो देखिए कितना, ये भी बच्चों को मतलब एक टाइम पास के लिए बहुत अच्छा है और एक नई एक्टिविटी कुछ अलग से बच्चों को सीखने के मिल रहा है। और बच्चे इतने खुश हैं कि आज उन्हें बिल्कुल फ्री कर दिया है और एक मतलब वो कुछ भी बनाएंगे अपनी मर्जी से, अपनी जो भी उनकी क्रिएटिविटी है वो पूरी दिखाएंगे इसमें। बहुत ही सुंदर लग रहा है, बच्चे इतने खो गए हैं इन सारी चीज़ों में, बिल्कुल अपना परफेक्ट देने के लिए। देखिए किस तरह से कर रहे हैं, ये शायद गणेश जी के
कुछ पाँव बना रहे हैं, नाप रहे थे अभी। देखिए ये, देखिए यहाँ पे ये बन चुके हैं। वाओ देखिए, ये मेरी बेटी ने, उसने कलर डिफरेंट कर दिया है बिल्कुल। उसने आटे को येलो कर दिया। वो कटोरी में आपने देखा होगा, स्टार्टिंग में दिखाया था कि हल्दी रखी थी इन्होंने, तो ये बेटी ने हल्दी मिक्स कर दी है अपने आटे में और बिल्कुल गणेश जी उसने येलो बना दिए हैं। बहुत सुंदर बना रही है, देखिए किस तरीके से बना रही है। ये काली मिर्च है, जो ये आइज़ बना दिए हैं काली मिर्च से। और ये गणेश जी की, अरे सूंड गिर गई फिर से सही से चिपका रही हैं। बच्चे इस तरह से कुछ करते हैं तो एक फ़न भी हो जाता है और बहुत ही अच्छा भी लगता है। ये देखिए मुकुट भी सज चुका है गणेश जी का। वाओ ये क्या है ये? ओके ये लड्डू रख रही हैं, ये मोदक हैं। ये देखिए, ये देखिए गणेश जी के लिए प्लेट में सजाए जा रहे हैं। फटाफट से बना रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। वाह देखिए किस तरीके से बना रही है, फटाफट से रख रही है। बेटा अभी बना रहा है, वो कुछ डिफरेंट बनाएगा बिल्कुल। देखिए वो भी गणेश जी के पांव बना चुका है, अब हाथ बना रहा है। और यहाँ पे तो बेटी ने तो वही सबसे पहले रेडी कर दिए हैं गणेश जी। मुझे लग नहीं रहा था कि ये बना पाएगी, पर देखिए बहुत सुंदर बनाए हैं इन्होंने। देखिए कितने सुंदर बना दिए बेटी ने मेरी। और बैठी है वो बिल्कुल अब अपना काम बिल्कुल फाइनल करके। और ये क्या कर रही है देखिए, वाह देखिए ये टूथ स्टिक से इन्होंने गणेश जी के दांत बना दिए हैं। और ये लड्डू आगे रख दिए हैं गणेश जी को खिलाने के लिए। तो येलो कलर के गणेश जी भी बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। और कितने क्यूट गणेश जी बनाए हैं, बिल्कुल बहुत सुंदर बनाए हैं, बहुत ही अद्भुत लग रहे हैं। बहुत ही सुंदर एक्टिविटी बच्चों ने करके दिखाई, आज मन खुश हो गया है बहुत ज़्यादा। और ये क्या कर रहे हैं देखिए, तिलक लग रहा है गणेश जी को, तिलक भी लगाया जा रहा है। वाह बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, मतलब बच्चों के अंदर बहुत ही, देखिए कितना सुंदर, ये भारतीय परंपरा के अनुगत है ये कि गणेश जी को तिलक करना बहुत ही ज़रूरी होता है, अनिवार्य होता है। देखिए ये दूसरी साइड लेके जा रही हूँ, बेटे को दिखा रही हूँ आपको। ये भी कुछ बना रहा है, अच्छा ये गणेश जी का ओ मुकुट बना रहे हैं। ये देखिए गणेश जी का बहुत ही सुंदर मुकुट बन रहा है और येलो कलर कर दिया गया है हल्दी से। वाइट गणेश जी बना रहे हैं और उनको जो उनका मुकुट है वो येलो कलर का बनाया जा रहा है। हल्दी है, ये हल्दी लगाई है इन्होंने इसमें। देखो पास से ले जाके दिखा रही हूँ आपको, वो सेट नहीं बैठ रहा था तो स्टिक से उन्होंने थोड़ा सा छिछित जैसे कर दिए हैं तो उससे अच्छा बैठ रहा है। देखिए देखिए इस तरीके से, देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। देखिए और देखिए बेटे ने मेरे गणेश जी को सजाने के लिए ये रोली से रेड कलर का ये भी डिज़ाइन बना दिया है स्टिक से। तो देखिए कितना सुंदर, मतलब ये बहुत ही अच्छी, मतलब एक कलाकारी है। देखिए बच्चे किस तरह से कर रहे हैं आजकल के, बहुत अच्छा लगता है। बच्चों का माइंड इतना अच्छा क्रिएटिव होता जा रहा है। देखिए बहुत सुंदर तरीके से बना रहे हैं, ये प्लेट बन रही है। ये प्लेट को गुलाई दे दी है और अब लड्डू रखे जा रहे हैं प्लेट में। ये देखिए गणेश जी के लिए फिर से इन्होंने येलो कलर का कर दिया है
और ये देखिए, वाह बहुत ही अद्भुत अद्भुत लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर, इतने स्माइली गणेश जी बनाए हैं दोनों बच्चों ने, तो मन बड़ा खुश हो गया है आज तो मेरा। बहुत ही अच्छी कलाकारी की है, अब तो मुझे इन्हें कुछ ना कुछ ज़रूर देना ही पड़ेगा। तो ये सबसे पहले मैं अपनी क्यूटी पाई बेटी को दूंगी। ये लो बच्चे, आपने बहुत ही सुंदर बनाए हैं गणेश जी। ये मेरी बेटी के लिए बहुत सारी चॉकलेट्स हैं, ये देखिए बहुत ही खुश है क्योंकि बहुत ही मेहनत करी है बच्चों ने आज, तो बहुत ही खुश है मेरी बेटी। देखिए इनके गणेश जी भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत स्माइली कर रहे हैं गणेश जी भी, वाओ। देखिए अब मैं बेटे को देती हूँ चॉकलेट, ये देखिए ये भी स्माइल कर रहा है कि बहन को इतनी सारी चॉकलेट मिली है तो डेफिनेटली मुझे भी जरूर मिलेंगी, तो बिल्कुल मिलेंगी आपको भी बेटा। ये लीजिए, बहुत ही सुंदर आपने गणेश जी बनाए हैं, बच्चों को देख के आज बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी प्यारी एक्टिविटी करी है और गणेश जी को बिल्कुल इतना सुंदर इन्होंने सजाया, इतना सुंदर इन्होंने श्रृंगार किया है गणेश जी का, तो मन बहुत खुश हो गया है। इस लॉकडाउन में बच्चों को इस तरह की क्रिएटिविटी जरूर कराइए आप भी, इससे बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं और एक नई चीज उन्हें सीखने को मिलती है। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर, बाय।